तो गेहूं का आटा बिकवाएंगे, गांव गांव बनवाएंगे, चक्की चलवाएंगे, चक्की में आटा बनेगा। ये जो धीमे धीमे चक्की चला के आटा बनता है ना, इसी की पौष्टिकता है। तेजी से जो मशीन में आटा पिसता है वो कुछ भी दम वाला नहीं है, इसी आटे में क्वालिटी है जो धीमे धीमे। और पुराने जमाने में हमारे घरों में वही आटा खाया जाता था, हम बीमार नहीं पड़े जल्दी। अब चक्की का आटा है, गड़बड़ी यहां पर है। और ऐसे ही भारत के 2.5-3 लाख गांव में आम पैदा होता है, आम का अचार, आम का मुरब्बा, आम का पापड़, आम की बड़ी, सब कुछ बन के बाजार में बिकेगा। 1 लाख गांव में आलू है, आलू है तो आलू का चिप्स गांव गांव बनवा सकते हैं। चिप्स 480 रुपए किलो बिकता, आलू 10 रुपए किलो बिकता है। 1 लाख गांव में टमाटर होता है, टमाटर का सॉस गांव गांव बन सकता है, सॉस 200 रुपए किलो बिकता है, टमाटर 10 रुपए किलो। तो किसानों को हम समझाएंगे, वैल्यू एडिशन करो, प्राइमरी प्रोडक्ट्स मत बेचो, बस इतनी सी बात समझानी है किसान। कपास मत बेचो, कपास से सूत बना के कपड़ा बना के बेचो, कपास बिक जाता 12 रुपए किलो और वही कपड़ा बिकता है 25 से 30 और 60-70 रुपए किलो तक। और वैल्यू एडिशन के लिए किसानों को ट्रेनिंग देनी है बस, और क्या करना। और वो ट्रेनिंग देने का काम हमारे योग शिक्षक करेंगे। अभी हमारे 2,40,000 योग शिक्षक हैं जो गांव गांव में योग और प्राणायाम सिखाते हैं। थोड़े दिन में ये सारे योग शिक्षक वैल्यू एडिशन की ट्रेनिंग देने लगेंगे। हम उनको ट्रेनिंग देने वाले हैं, वो गांव गांव ट्रेनिंग देंगे और गांव को खड़ा करेंगे। और इस पूरे गांव में 100-100 उद्योग के लिए 10 लाख करोड़ खर्च करना है बस। और हर गांव में बिजली देनी है तो 4 लाख करोड़ खर्च होगा, हर गांव में सड़क देनी है तो 7 लाख करोड़ खर्च होगा, हर गांव में स्कूल कॉलेज देने हैं तो 8 लाख करोड़ खर्च होगा, हर खेत को पानी देना है किसान के लिए तो 10 लाख करोड़ खर्च होगा। फिर सारा खर्चा मिला दें तो 58 लाख करोड़ से ज्यादा खर्च नहीं होता और सारे गांव खड़े हो जाएंगे। अब 58 लाख करोड़ खर्च करके गांव खड़े हो गए तो गरीबी, भुखमरी, बेकारी खत्म। क्योंकि हमने 100 उद्योगों का हिसाब निकाला, 6,38,365 गांव में 100-100 उद्योग अगर हो गए तो कम से कम 64 करोड़ लोगों को काम मिल जाएगा। तो सारी बेकारी खत्म, बेकारी खत्म तो गरीबी खत्म। फिर क्या करें, 200 लाख करोड़ बच गया, उसको बैंक में जमा करेंगे फिक्स डिपॉजिट में भारत माता के नाम से, तो उसका हर साल का ब्याज आएगा वो 20 लाख करोड़ है। और साल का ब्याज अगर 20 लाख करोड़ आएगा तो टैक्स लेने की किसी को जरूरत ही नहीं है इस देश में, सारे टैक्स खत्म कर दो, क्योंकि सरकार तो इनकम तो 50 लाख करोड़ एक झटके में बढ़ जाएगी देश की। फिर हम सेंट्रल एक्साइज खत्म करेंगे, सेंट्रल एक्साइज खत्म करेंगे तो उत्पादन बढ़ेगा देश का, क्योंकि सेंट्रल एक्साइज टैक्स की चोरी करने के लिए उत्पादन छुपाते हैं लोग। हम टैक्स ही नहीं लगाएंगे, उत्पादन कोई क्यों छुपाएगा। फिर सीएसटी खत्म करेंगे, फिर वैल्यू एडिड टैक्स खत्म करेंगे, सारे टैक्स खत्म करेंगे तो बेईमानी अपने आप चली जाएगी इस देश से और ईमानदारी अपने आप आ जाएगी। और सबसे बड़ा काम जो होगा वो ये कि ये टैक्स सिस्टम खत्म होते ही व्यापारी और उद्योगपतियों में थोड़ी ताकत आएगी, थोड़ी हिम्मत आएगी और सरकार के गलत कामों का विरोध करने का वो शुरुआत करेंगे। अभी डर के मारे चुप बैठे। तो टैक्स सिस्टम खत्म करेंगे, उत्पादन बढ़ेगा, आमदनी बढ़ेगी, पैसे बाजार में ज्यादा घूमेंगे, हमें फिर विदेशों से कर्ज मांगने की जरूरत नहीं, हम देश का विकास देश के पैसे से ही करेंगे। तो ये योजना है अपनी। और टैक्स खत्म हुए तो महंगाई सबसे पहले खत्म, हर चीज सस्ती होगी। मैं आपको कुछ कैलकुलेशंस बताता हूं। सारे टैक्स अगर हम खत्म कर दें तो 1 लीटर पेट्रोल मिलेगा 12 रुपए का, जो अभी मिलता है 54 रुपए का। सारे टैक्स खत्म कर दें तो 1 लीटर डीजल मिलेगा 7.80 रुपए का, जो अभी मिलता है 38 रुपए का। सारे टैक्स खत्म कर दें तो रसोई गैस का सिलेंडर मिलेगा 40 रुपए का, जो अभी है 400 रुपए का। सारे टैक्स खत्म हो जाएं तो हिंदुस्तान में सीमेंट का 1 पैकेट मिलेगा 72 रुपए का, जो अभी है 300 रुपए का। सारे टैक्स खत्म हो जाएं, 1 किलो लोहा मिलेगा 12 रुपए का, जो अभी है 50 रुपए का।
सारे टैक्स खत्म हो जाएं और आपको घर बनाना पड़े, तो अभी जो 20 लाख रुपए में आप घर बनाते हैं वो घर 6 लाख में ही बन जाएगा। सारे टैक्स खत्म हो और आपको अमेरिका जाना हो और वापस आना हो तो आने जाने का टिकट सिर्फ 7,000 रुपए में आ जाएगा अमेरिका का। सारे टैक्स खत्म हो जाएं और आपके बेटे को इंजीनियरिंग पढ़ाना हो तो 5 साल की पढ़ाई 50,000 में हो जाएगी, जो अभी 5 लाख में भी नहीं होती। सारे टैक्स खत्म करें, किसी को MBBS और MD कराना हो तो 2 लाख में हो जाएगा, जो अभी 20 लाख में भी नहीं होता। हर चीज सस्ती, और जब हर चीज सस्ती तो नमक 15 पैसे किलो में मिलेगा, जो अभी 7 रुपए किलो का है। 1 लीटर पानी की बोतल जो अभी 15 रुपए में आप खरीदते हैं, ये 1.5 रुपए में हो जाएगी। 1 साबुन जो आप खरीदते हैं ना 15 रुपए का, टैक्स खत्म करते ही ये 3.5-3.5 के आसपास हो जाएगा। 1 किलो वॉशिंग पाउडर जो आप 60-70 में खरीदते हैं, टैक्स खत्म होते ही 19 रुपए का हो जाएगा। सब महंगाई सस्ती माने खत्म, चीजें सस्ती, और चीजें सस्ती तो गरीब से गरीब आदमी को जिंदगी चलाने का आसान रास्ता खुल जाए। और सीधी सी बात है, टैक्स जितने कम होंगे आमदनी उतनी ही बढ़ जाएगी देश की, सीधी सी बात है। तो आमदनी बढ़ाने का ये तरीका है देश का, सही रास्ता यही है। अंग्रेजों ने टैक्स लगाया था हमें दबाने के लिए, हम इस टैक्स को हटा देंगे तो हम खुलकर आगे आएंगे। और एक दिन मैंने हिसाब निकाला कि 258 लाख करोड़ जो विदेशों से लाना है, इसको रुपए में नहीं लाएंगे, डॉलर्स में भी नहीं लाएंगे, सोने में लाएंगे। क्योंकि एक जमाने में भारत सोने का महासागर था, फिर सोने का ही महासागर बनाना है, तो ये पैसा सोने में लाएंगे। परिणाम जानते हैं क्या होगा? अगर हम रुपए में लाए तो रुपए में डिवेल्यूएशन हो जाएगा, जरूरत से ज्यादा रुपए आ गए मार्केट में और वस्तुएं उतनी नहीं है तो रुपए की परचेसिंग कैपेसिटी गिरेगी, डिवेल्यू हो जाएगा। तो अभी 50 रुपए डॉलर है, फिर 100 रुपए हो सकता है, ये खतरा नहीं उठाना है। और डॉलर में भी नहीं लाना ये पैसा, क्योंकि डॉलर की डिमांड बढ़ेगी तो फिर डॉलर के मूल्य में वृद्धि हो जाएगी। सारी दुनिया में डॉलर की मांग नहीं बढ़ानी हमको, हम तो ये पैसा लाएंगे सोने में और लाके रिजर्व बैंक में रख देंगे। और हमारे देश का रूल है जितना सोना रिजर्व बैंक के पास है उतने ही नोट छाप सकते हैं हम, जरूरत पड़ेगी नोट छापेंगे, खर्च करेंगे फिर छापेंगे, फिर खर्च करेंगे फिर छापेंगे, ऐसे करके इस पैसे का उपयोग करेंगे। इसका अल्टीमेट रिजल्ट जानते हैं क्या होगा? जैसे ही हम ये पैसा डॉलर में नहीं लाएंगे, डॉलर की कीमत गिरेगी और एक झटका ऐसा आएगा कि 1 रुपया 1 डॉलर हो सकता है। और जिस दिन 1 रुपया डॉलर हो गया तो हमारा जो निर्यात है इसकी आमदनी 50 गुनी बढ़ जाएगी एक ही झटके में, और हमारी जो आयात के खर्चे हैं वो 50 गुने कम हो जाएंगे एक झटके में। तो आयात का खर्चा कम, निर्यात की आमदनी ज्यादा, तो सरप्लस होगा हमारे पास, और वो सरप्लस इतना होगा कि ना चीन हमें पछाड़ सकता है ना अमेरिका, हम दुनिया में सबसे आगे निकलेंगे और सारी दुनिया में ये आदर्श प्रस्तुत करेंगे। और 1 रुपया जो डॉलर हो गया तो एक भी हिंदुस्तानी अमेरिका में नहीं टिकेगा, ये भारतवासी अमेरिका में तब तक हैं जब तक डॉलर 50 रुपए का है। डॉलर 1 रुपए हुआ, ये सब वापस अपने वतन को लौटेंगे और उनकी अकल देश के काम में लगेगी। अभी वो अमेरिका को अपनी अकल बेचकर अमेरिका को आगे बढ़ा रहे हैं, फिर उनकी अकल भारत को आगे बढ़ाने में लगेगी। और 1-2 भारतवासी नहीं है, 2 करोड़ हैं जो बाहर हैं, कुछ NRIs हैं, कुछ PIOs हैं, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन और नॉन रेजिडेंट इंडियन। इन 2 करोड़ों को लाना है क्योंकि इनकी अकल बड़ी जबरदस्त है। इनमें से कुछ भारतवासियों को मैंने गल्फ देशों में देखा जो 1970 में गए और उनकी अकल लगा के नखलिस्तान बना दिया पूरे गल्फ को। 1970 के पहले भूखे मरते थे ये गल्फ वाले, ये भारत के इंजीनियर गए, तेल निकाल दिया वहां से और तेल की सारी दुनिया के बादशाह हो गए। तो उन्हीं इंजीनियरों को वापस लाएंगे,
ऐसे ही अमेरिका से लेके आएंगे सबको, यूरोप से लेके आएंगे, अपना वतन, अपनी मिट्टी, अपना पानी, अपनी हवा, अपनी खुशबू सबको पसंद आती है, लेकिन माहौल हो वापस आने का, हम बुलाएंगे उनको, टैक्स हटेंगे, वो सब आमदनी लेके भारत में आएंगे, और भारत में बेईमानी भ्रष्टाचार खत्म होगा तो यहां आकर रहना भी उनको आसान होगा। तो ऐसा भारत बनाना है जिसमें सब भारतवासी लगे गरीबी से मुक्त, भ्रष्टाचार से मुक्त, बेरोजगारी से मुक्त, हर तरह की समस्या का समाधान हम भारतवासी ही मिलके करेंगे, कोई विदेशी हमारी समस्या का समाधान नहीं करेगा, हमें अपनी अकल लगा के अपनी समस्याओं को हल करना है, और उसके लिए हम सक्षम हैं, बस हम में एक ही कमी है, आत्मविश्वास की और संकल्प की, बाकी हम कुछ भी कर सकते हैं। तो हम में आत्मविश्वास आए, संकल्प पैदा हो, इसलिए मैं आपके पास आया और निवेदन करता हूं कि आप इस लड़ाई में हमारे साथ लगिए। ये लड़ाई शुरू हुई है भारत स्वाभिमान के नाम से, और इस लड़ाई की कमान एक सन्यासी के हाथ में है जिनका नाम है परम पूजनीय स्वामी रामदेव। हमारे देश में जिन आंदोलनों ने सन्यासियों को नेतृत्व दिया है वो सब आंदोलन सफल हुए, मतलब भारत में सन्यासियों ने जब जब संकल्प किया है संकल्प पूरा हुआ है। मैं दो उदाहरण तो देता हूं, एक थे सन्यासी समर्थ गुरु रामदास महाराष्ट्र में, उन्होंने संकल्प किया था कि औरंगजेब की सत्ता का नाश करना, क्योंकि औरंगजेब बहुत अत्याचारी था, हिंदुओं को मुसलमान बनाता था, मंदिरों को तोड़ता था, हिंदुओं को जजिया कर देना पड़ता था। समर्थ गुरु ने संकल्प लिया कि औरंगजेब को खत्म होना ही चाहिए, तो भगवान ने वो संकल्प पूरा कराने के लिए छत्रपति शिवाजी महाराज को पैदा कर दिया इसके। और आप जानते हैं छत्रपति शिवाजी महाराज ने औरंगजेब की सत्ता को इतना सीमित किया कि दिल्ली वापस जाके मर गया 1707 में औरंगजेब, खत्म हो गया साम्राज्य उसका। ऐसे एक सन्यासी हुए लातूर में, लातूर यहां के नजदीक है महाराष्ट्र में, स्वामी रामतीर्थ, उन्होंने एक संकल्प लिया था हैदराबाद की रियासत को भारत में ही रहना होगा, और हैदराबाद का निजाम बोलता था मैं तो पाकिस्तान जाऊंगा, स्वामी रामतीर्थ ने कहा तुझे जाना है तू जा पाकिस्तान, रियासत तो यहीं रहेगी। और स्वामी रामतीर्थ के संकल्प को पूरा करने के लिए भगवान ने सरदार वल्लभ भाई पटेल को भेज दिया। अब परम पूजनीय स्वामी रामदेव जी ने संकल्प ले लिया है कि 258 लाख करोड़ का जो भारत का धन विदेशों में है ये वापस लाना और देश को गरीबी भुखमरी बेकारी से मुक्त कराना है। अब उनके संकल्प को पूरा करने के लिए भगवान ने मेरे जैसे 2,40,000 योग शिक्षकों को भेज दिया और 11 लाख और आने वाले हैं, आप भी उनमें से एक हो सकते हैं। और इतनी बड़ी फौज खड़ी हो रही है धीरे धीरे कि ये काम होने ही वाला है, तो आप भी लग जाइए इस काम को पूरा करने में, काम तो होने वाला है। आप लग जाएंगे थोड़ा जल्दी होगा, नहीं लगेंगे तो भी होगा, हाँ आप गलतफहमी में मत रहना, मैं आपको विनम्रता पूर्वक कह रहा हूं आप लग गए तो जल्दी होगा, नहीं लगेंगे तो भी होगा, क्योंकि इस काम की कमान सन्यासी के हाथ में, होने वाला तो है ये। आप लग गए तो इस काम का यश आपको मिल जाएगा, नहीं तो कोई और लेने वाला है इसका यश। और आप अगर नहीं लगेंगे जिंदगी भर अफसोस होगा आपको, आपके बच्चे आपसे सवाल पूछेंगे कि भारत स्वाभिमान का इतना बड़ा अभियान चल रहा था तो आप क्या कर रहे थे, उनके सामने आप शर्मिंदा ना हो, इसलिए मैंने न्योता दिया है कि आप भी आ जाओ इसमें, काम तो होने ही वाला है, आप लग जाओगे थोड़ा जल्दी होगा। आप आएंगे कैसे इस अभियान में, सबसे पहली जो एंट्री होती है वो मेंबर बन के होती है, आप हमारे मेंबर हो जाओ, पहला प्रवेश आपका इसमें हो जाए। मेंबर होने के लिए एक फॉर्म बनाया हुआ है, वो आप ले लो, हमारे भारत स्वाभिमान के ये पदाधिकारी आपको फॉर्म दे देंगे, बाहर जाएंगे तो स्टॉल पे भी फॉर्म है, वो आप भर दो,
फॉर्म जमा करते समय 51 रुपए दान दे देना इस अभियान के लिए, वो भी आपसे ही चाहिए। गांव में रहने वाले किसानों से 11 रुपए लेते हैं हम, शहर में रहने वालों से 51 रुपए। अगर ज्यादा क्षमता है तो कितना भी आप दे सकते हो, वो आपके ऊपर है। तो आप जो दान दोगे उसी से हमें लड़ाई लड़नी है। हमने संकल्प लिया है कि किसी भी बेईमान आदमी से करोड़ों रुपए नहीं लेंगे। अगर किसी से हम 10 करोड़ ले लें उससे अच्छा है कि हम 1 करोड़ लोगों से 10-10 रुपए ले लें, क्योंकि जो एक आदमी 10 करोड़ देगा वो अपनी धुन बजवाएगा और उसकी धुन पे हम नाचेंगे तो हम भी बर्बाद हो जाएंगे। जो धन देता है वो अपनी धुन बजवाता है, हमें ऐसे लोगों की धुन नहीं बजानी। 10 करोड़ 20 करोड़ लेना ही नहीं, हमें तो 10 करोड़ लोगों से 10-10 रुपए लेने, 20 करोड़ लोगों से 2-2, 5-5 रुपए लेने। इसलिए पूरे देश में हम लोग निकले हुए हैं, थोड़ा थोड़ा फंड इकट्ठा करके कोष बनाना और एक एक व्यक्ति को अभियान में जोड़कर उसका मेंबर बनाना। 5 करोड़ मेंबर हमें चाहिए इस लड़ाई को जीतने के लिए, क्योंकि सारे भ्रष्ट नेताओं की कुल संख्या 4 करोड़ है। कांग्रेस, बीजेपी, जनता दल, सीपीएम, सीपीआई, समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, तेलुगु देशम, सब मिलाकर 4 करोड़ है, हमें 5 करोड़ चाहिए। उनसे बड़ी रेखा हमें खींचनी है तो ये सारे नेता हमारे सामने सरेंडर करेंगे और इनका सरेंडर करा के इनके ही मुंह से कबूलवाना है कि मैं इतना रुपया देश के लिए करता हूं न्योछावर, मैंने लूटा, अब ये मैं देश को दे रहा हूं। वो दिन इस देश में लाना है। और नहीं करेंगे तो इन सबको बिजली के तारों से उल्टा लटकाना, नीचे आग जलानी है और मिर्ची का पाउडर उसमें झोंकना है, फिर करेंगे ये। या तो ईमानदारी से कहेंगे मैंने लूटा है, ये देश का पैसा है, मेरे से गलती हुई, तो देश उनको माफ करेगा। नहीं करेंगे तो कानून अपना काम करेगा। दुनिया के 56 देशों में कानून है, भ्रष्टाचार की सजा मृत्यु दंड, हमारे यहां भी बनेगा वही कानून। तो ये लड़ाई लड़नी है, इस लड़ाई में आपका सहयोग चाहिए। आप एक एक व्यक्ति भी हमारे साथ आएंगे तो हमारी ताकत बढ़ेगी और इसी ताकत से हम ये लड़ाई को 4 साल में पूरा करना चाहते हैं। तो आप हमारे मेंबर बने, अभियान में शामिल हों और व्यक्तिगत जीवन में थोड़े कुछ आप सुधार करें। जैसे अभी हमें दर्द है कि नेता विदेशी बैंकों में पैसा जमा करते हैं और देश की अर्थव्यवस्था बाधित होती है, तो आप अपने जीवन में ऐसा कोई काम न करें जिससे देश का पैसा बाहर जाता हो। माने विदेशी कंपनियों की वस्तुएं ना खरीदें, कॉलगेट, पामोलिव, प्रॉक्टर एंड गैम्बल, रैकेट एंड कोलमैन, पेप्सी कोला, कोका कोला, हिंदुस्तान लीवर, इन सब कंपनियों के सामानों का बहिष्कार करें। आप बोलेंगे पता कैसे चलेगा कौन सा सामान विदेशी कंपनियों का, उसके लिए एक पुस्तक बनाई है, जीवन दर्शन, बाहर रखी है, आप ले जाइए, उसमें पूरी लिस्ट है क्या सामान विदेशी क्या स्वदेशी, हमेशा स्वदेशी खरीदें। दूसरा निवेदन है कि अपने जीवन में कुछ ऐसा करें जैसे सूती कपड़े ज्यादा पहने, खादी के कपड़े ज्यादा पहने, ताकि किसानों को कपास का अच्छे से अच्छा भाव मिले। अभी देश में 1% खादी बिकती है, 15 लाख लोगों को काम मिला है उससे। अगर 100% खादी बिके 15 करोड़ लोगों को काम मिल सकता है। और आंध्र प्रदेश में सबसे ज्यादा संभावना है खादी के लिए, क्योंकि सबसे अच्छा कपास अभी आंध्र प्रदेश में ही होता है और सबसे ज्यादा कपास भी आंध्र प्रदेश में ही होता है। तो इस आंध्र प्रदेश के किसानों के प्रति अगर आपके दिल में थोड़ा भी प्रेम है तो इनका बनाया हुआ सूती कपड़ा जो कपास से बनता है, खादी कपड़ा आप खरीदें। खादी मिलती है आंध्र प्रदेश में, हर जगह मिलती है, आप अपने जीवन में उसको लाएं। साल में 10 मीटर भी खादी खरीदेंगे तो करोड़ों लोगों को काम मिलेगा। अभी नमूने के लिए आप चाहें तो बाहर एक खादी का स्टॉल लगाए, वो हमारे ही कार्यकर्ता हैं जिन्होंने स्टॉल लगाया। वो खादी महात्मा गांधी के गांव में बनती है, सेवाग्राम में, वहां से लेके आए हैं। आप चाहें तो 2-2, 5-5 मीटर ले जाइए। वो खादी में हजारों लोग लगे हैं रोजगार की दृष्टि से, आप खरीदेंगे उनको पैसे मिलेंगे, उनको उत्साह बढ़ेगा। और हम चाहते हैं गांव-गांव ये काम शुरू हो जाए ताकि हर व्यक्ति जो गांव में रहता है खाली समय में चरखा चला ले, सूत बना ले, उसी से जीवन चल जाए उसका। तो आप स्वदेशी वस्तुओं का उपयोग करें, खादी ज्यादा से ज्यादा खरीदें और बन सके
तो जीवन को ज्यादा से ज्यादा भारतीयता की तरफ, स्वदेशी की तरफ लाएं, तो ये देश और महान बनेगा। एक तरफ व्यवस्था में सुधार करना है, दूसरी तरफ अपने में भी सुधार करना। हमारी भी कुछ आदतें बहुत खराब हुई हैं, हर समय हमको इम्पोर्टेड चीज चाहिए। क्यों चाहिए? जब सब चीजें भारत में बनती हैं तो इम्पोर्टेड की जरूरत क्या? हम अपने में भी सुधार करें और देश के तंत्र में भी सुधार करें, दोनों स्तर पर ये काम होगा। यही भावना के साथ आपका आभार व्यक्त करता हूं, धन्यवाद देता हूं। आपने बड़े धीरज से मुझे सुना, और भी दूसरे लोगों को अगर आप ये बातें सुनाएंगे तो मैं बहुत बहुत आपका आभारी रहूंगा। जो बातें मेरी आपको बहुत अच्छी लगी हों उन्हें तुरंत बाहर जाकर लोगों से कहना, और जो बातें आपको मेरी खराब लगी हों उनको यहीं छोड़कर चले जाना। मैंने आपका थोड़ा समय बहुत लिया, 3.5 घंटे से मैं बात कर रहा हूं, आप यहां बैठे हैं, मैं आपको हृदय पूर्वक प्रणाम करता हूं। और किसी के कुछ सवाल हो तो मैं यहां पर हूं, व्यक्तिगत रूप से आप मुझे पूछ सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। गमाता के लिए अगर कुछ कर सकते हैं भारत में इस समय, कतल खाने बंद कराने का एक ही तरीका है, अंग्रेजों के जमाने का कानून बदल दो। और वो कानून बदलने के लिए, हाँ कानून बदलने के लिए संसद में ऐसे लोगों को पहुंचा दो जिनको सत्ता की परवाह ना हो, कुर्सी की परवाह ना हो, गाय की परवाह हो। क्योंकि झगड़ा आता है सत्ता और कुर्सी और गाय का। एक बार सत्ता आई ऐसे लोगों के हाथों में जो कानून बना सकते थे, लेकिन उन्होंने कुर्सी बचाने के लिए गाय को कटने दिया। तो ऐसे लोगों को पहुंचा दो संसद में, कानून बदल जाएगा, 2 मिनट का काम है। केंद्र स्तर पर कानून बन जाए गाय के कत्ल को रोकने का तो सारे कत्लखाने बंद करना आसान है। और सिर्फ गाय का ही कत्ल नहीं, सभी जानवरों के कत्ल को रोकने का कानून केंद्र स्तर पर बन सकता है, क्योंकि हर जानवर हमारे लिए उपयोगी है, कोई भी जानवर बेकार नहीं है, कोई भी जानवर ऐसा नहीं है जिसकी हमें जरूरत नहीं है। जानवरों को शायद हमारी जरूरत इतनी नहीं है, हमको जानवरों की बहुत ज्यादा जरूरत है। उनकी जिंदगी रहे तो हमारी जिंदगी चले, इसलिए जानवरों को तो बचाना ही पड़ेगा, और उसके लिए भी कानून बदलना ही पड़ेगा। बहुत धन्यवाद।